हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में फायर ऑन पेज इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले हमें नया पेज लेना रहेगा। फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेज को नेम देके स्टोर कीजिए। ओके दीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज मिला है। हमें सबसे पहले इफेक्ट देनी रहेगी। एरो टूल लीजिए, फिल्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से रेंडो में जाके क्लाउड इफेक्ट दीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्लाउड जैसी इफेक्ट दिखा रहा है। अभी हम ब्रश टूल लेंगे। अगर आपको ब्रश की साइज चेंज करनी है, ब्रश की साइज चेंज कर सकते हो और लाइटनेस और डार्कनेस चेंज करनी है तो आप डार्कनेस और लाइटनेस चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्रश से कलर फिल किया, ऑलमोस्ट हाफ एरिया आप फिल कर लीजिए। हमने यहां से जैसे हाफ एरिया फिल कर लिया। अभी हम एरो टूल लेंगे, अगेन फिल्टर में जाएंगे और लिक्विफाई पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपसाइड मूव करेंगे क्लाउड्स इफेक्ट्स को। आप देख सकते हो हम यहां से अपसाइड मूव कर रहे हैं, जैसे फायर होती है उस तरह का इफेक्ट हम सेट करेंगे यहां से। देख सकते हो अगर आप कहीं से रॉन्ग हो रहा है तो ऑल्ट कंट्रोल ऐड करके आप वो इफेक्ट रिमूव कर सकते हो। हम एरिया को अपसाइड मूव करेंगे जिस तरह से फायर होती है उस तरह से। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फायर के जैसा ऑलमोस्ट इफेक्ट अप्लाई कर लिया है। अभी हम ओके पे क्लिक करेंगे। अभी हम इमेज पे क्लिक करेंगे, मोड पे क्लिक करेंगे, ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे और यहां से डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे। अगेन हम इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे और यहां से इंडेक्स कलर पे क्लिक करेंगे। अगेन हम इमेज में जाएंगे और यहाँ से कलर, अभी हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बॉडी सिलेक्ट करेंगे और ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे फायर जैसी इफेक्ट दे रहा है। थैंक यू।